एयरपोर्ट मेरे लिए हमेशा से आखिरत की याद दिहाने का बड़ा जरिया रहा है। एयरपोर्ट और सफर दोनों में फिक्र आखिरत के कई पहलू हैं। एक तो ये कि आम हालात में इंसान को जिंदगी और वक्त दोनों के गुजरने का एहसास नहीं हो पाता, मगर सफर में ये एहसास कई गुना बढ़ जाता है कि वक्त भी गुजर रहा है और जिंदगी की दौड़ भी हाथ से हर लम्हे छूट रही है। आम हालात में हम आज में जीते हैं, जबकि सफर में इंसान की तवज्जो माजी की याद या मुस्तकबिल की प्लानिंग पर लगी रहती है, जबकि तेजी से तब्दील होते हुए मकामात भी इंसान को जिंदगी का एहसास दिलाते हैं। यही एहसास आम जिंदगी में भी मतलूब है कि इंसान हर लम्हा माजी की सोच को अपना एहतसाब और इस्तग़फ़ार करता रहे और आखिरत की आने वाली दुनिया का सोचकर उसकी तैयारी करता रहे। टर्किश एयरलाइन की फ्लाइट रात 2:45 बजे अपने वक्त पर रवाना हुई और मुकर्ररा वक्त पर तुर्की के वक्त के हिसाब से 5:15 बजे पहुंच गई। तुर्की का वक्त पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, गोया 5.5 घंटे में हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। कराची का इस्तांबुल से फासला तकरीबन 5,000 किलोमीटर का है। पुराने जमाने का बड़े से बड़ा बादशाह भी ये सफर इतने मुख्तसर वक्त में तय नहीं कर सकता था, मगर अल्लाह ताला ने आज के इंसान पर यह करम कर रखा है कि जिस पर उसका जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। इस बात को एक वाकयाती मिसाल से भी मैं वाजे करना चाहता हूं। इस सफरनामे की तसनीफ से कबल मैं इस्लामाबाद आया तो बास दोस्तों के हमरा सवात और कलाम वगैरह तक जाना हुआ। दौरान सफर ब्रादरम नदीम आजम साहब ने सवात के मुतालिक एक किताब में पढ़ा कि सिकंदर आजम भी यहां आया था। उन्होंने मुझसे सवाल किया, बहुत से यूनानी हिंदुस्तान पर हमले के बाद वापस नहीं गए, यहीं रह गए, तो इसकी क्या वजह थी? मैंने उनको कई वजूहात बताई और उनमें से एक ये भी थी कि यूनान जो कि तुर्की से मुतसिल ही था, वहां तक का सफर करना कोई आसान काम ना था। वहां तक वापस लौटना ही साल से ऊपर का सफर था। ये भी दीगर अवामिल के अलावा यहां यूनानियों के रुक जाने का एक आमिल बना। आज का इंसान ये तवील सफर इंतहाई मुख्तसर वक्त में करता है, मगर जिस हस्ती ने यह सफर मुमकिन बनाया है उसका एतराफ करने की सहमत भी गवारा नहीं करता। अबू यहिया, सैरे ना तमाम से एक इक्तिबास।